केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि ग्वालियर निवेशकों का स्वागत करने के साथ साथ नया इतिहास रचने के लिए भी तैयार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में आयोजित हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में सब मिलकर अपने शहर को आगे बढ़ाएंगे। वहीं जनधन खाता योजना के 10 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि 53 करोड़ खाते पूरे देश में खुल चुके हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 53 करोड़ लोग बैंक खाते से जुड़े, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक व्यक्ति को बैंक खाते से जोड़ने का अधिकार दिया है। आज बहुत बड़ा दिन है ग्वालियर के लिए, बहुत ऐतिहासिक दिवस है। मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी औद्योगिक इकाई की एनक्लेव ग्वालियर में आयोजित की जा रही है। ग्वालियर तैयार है, निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार है, नई पृष्ठभूमि के लिए तैयार है, नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब एक साथ मिलकर ग्वालियर को आगे बढ़ाएंगे। 10 वर्ष हो चुके हैं, 53 करोड़ खाते पूरे देश में खुल चुके हैं। 140 करोड़ की आबादी के देश में 53 करोड़ खाते खुले, मतलब एक एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने अपने बैंक खाते का अधिकार दिलवाया है। ये स्वतंत्रता है आर्थिक रूप से देश के एक एक व्यक्ति के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।